नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सुपली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, बीते दो दिनों से मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत मीरा रोड के नया नगर से जो कुछ घटनाएं सामने आई उसके बाद फिलहाल हालात काबू में है। हम सभी जानते हैं कि कल 22 जनवरी को अयोध्या में निर्माणाधीन नए राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था, जिसको लेकर देश भर में उत्साह दिखाई दे रहा था। देश भर में उत्सव सा त्योहार सा दिखाई दे रहा था। हर जगह पर कहीं शोभा यात्रा, अलग अलग तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी। और इसी बीच परसों 21 तारीख को जब नया नगर की तरफ यह शोभा यात्रा निकली तो वहां पर कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि वहां दो समुदाय आपस में भिड़ गए। दो गुटों के बीच वहां झड़प हुई और उस समय वहां पर उस पत्थरबाजी में कुछ गाड़ियों के कांच फोड़े गए, पत्थरबाजी और कई घटना हुई। आप सभी सोशल मीडिया पर और मीडिया पर उन वीडियो फुटेज को देख चुके हो, काफी वायरल वो वीडियो हो चुके हैं। 21 तारीख की रात को यह घटना होने के बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला। 22 तारीख की सुबह एक फ्लैग मार्च भी निकाला गया और 22 तारीख की सुबह कल माहौल हालात ठीक थे, लेकिन दोपहर में एक बार फिर हालात थोड़े बिगड़े और फिर से उसी घटना की पुनरावृत्ति होती दिखाई दी। उसके बाद प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया और मीरा भाईंदर वसई विरार क्षेत्र में, खासकर नया नगर के उस क्षेत्र में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाने की वजह से हालात काबू में आए। और आज सुबह भी पुलिस ने एक लंबा लॉन्ग मार्च उस क्षेत्र में किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की। जो घटना हुई उसके जो कुछ कोई जिम्मेदार लोग हैं, जो किसी पक्ष के हैं और जो कोई जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही किए जाने की बात आला अधिकारियों ने कही। खुद महाराष्ट्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान जारी करते हुए दोषियों पर सख्त कार्यवाही किए जाने की बात कही है। साथ ही साथ मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करते हुए इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्यवाही किए जाने की बात कही है। इस घटना को लेकर राजनीतिक लोग भी सामने आए। कांग्रेस पक्ष के मीरा भाईंदर के नेता मुजफ्फर हुसैन, उन्होंने भी इस घटना जो घटना कुछ हुआ उसको लेकर अपना बयान दिया। साथ ही साथ शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से विधायक प्रताप सरनाईक, उन्होंने भी कुछ बयान अपना जारी किया। उन्होंने पुलिस से मांग भी की है कि जो अपराधी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम से प्रशासन काफी दबाव में है, लेकिन फिर भी वसई विरार आयुक्तालय, पूरे आयुक्तालय अंतर्गत शांति की बहाली हो चुकी है और खास करके नया नगर में पुलिस तैनात है, वहां पुलिस अपनी चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखे हुए है। तो इस वीडियो में आगे आप सुनिए क्या कुछ कहना है प्रशासन के आला अधिकारियों का, सब आला अधिकारियों का बयान, क्या कुछ कहना है उनका पूरे घटना पर और क्या कुछ उनका आगे का एक्शन प्लान है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। तेरा आरोपींना अटक केलेली आहे। सीसीटीव्ही फुटेज तपासून जे जे लोक त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत अशा गोष्टी खपवून घेतल्या जाणार नाही। अत्यंत कडक कारवाई ही त्या ठिकाणी केली जाईल आणि जे लोक अशा प्रकारे हुडदंग करतायत, अतिक्रमण करतायत, वेगवेगळ्या प्रकारे त्या ठिकाणी अवैध बांधकाम करतायत, अवैध धंदे करतायत, या सगळ्यांवर कारवाई केली जाईल। एक बात सबसे अपील करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी इंसिडेंस हुआ है वो इंसिडेंस का हम जांच कर रहे हैं, पूरे सीसीटीवी फुटेज और सब देख के जो भी इंसिडेंस हुआ है जिसमें जो भी दोषी होंगे उनके ही कार्रवाई होगी, जो निर्दोष है उन पर कार्रवाई नहीं होगी, मैं
पुलिस की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरी मेरी अपील है कि आप सब लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो ये शहर में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है इतने सालों में। मेरी सबसे अपील है कि सब में शांति बनाए के रखें और सब लोग अपना अपना जो करना है या जो भी अपना कार्य है वो शांति से करें, सब पब्लिक को बिना डिस्टर्ब किए करें। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम हैंडल करेंगे, लेकिन मैं सबसे अपील है कि अननेसेसरी माहौल खराब करने की किसी भी कोशिश नहीं करना चाहिए। और जो भी इंसिडेंस हुआ है उसके बारे में हम डिटेल में जांच कर रहे हैं, उसमें जो भी दोषी होगा उनमें दोषी होगा उसकी कार्रवाई होगी, निर्दोष की कार्रवाई नहीं होगी, यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मैन पावर तो टोटल अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन पूरे के पूरे अफसर हमारे सब लोग रस्ते पे ही है। रात का जो इंसिडेंस है जो प्राइवेसी जो पता चला है उससे कुछ रैली में कुछ लोग रैली में नयानगर में आए थे, उसमें से कुछ अल्टरकेशन हो गया, उससे प्रॉब्लम थोड़ा सा खड़ा हो गया था, लेकिन पुलिस ने टाइमली एक्शन लिया तो अभी मामला करीबन हमने स्टडी कर लिया है। लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे मिस्क्रियंस रहते हैं वो इधर उधर अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो मेरी आपसे सबसे अपील है, स्पेशली सब मीडिया से मेरी अपील है कि आप लोग भी थोड़ा ख्याल रखिए और शहर का शांति कैसे बना के रखेंगे इसके लिए सबने कोऑपरेट करना चाहिए, इसी मेरी आपसे। सर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे झूठे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है, इस तरीके के वीडियो वालों पर कोई कार्रवाई? हम ऑलरेडी हमारे साइबर डिपार्टमेंट जितना हो सके उतने वीडियो जितने भी इससे डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे मोबाइल से हमें तो कंट्रोल रखना मुश्किल है। फिर भी अगर उसमें कोई इन्वेस्टिगेटिव वीडियो रहेंगे तो हम आईटी एक्ट के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभी हमारी पूछताछ चल रही है, अभी मैं आपको डिटेल में फिगर नहीं बोल सकता, अभी पूछताछ चल रही है, पहले वेरीफाई करेंगे कि इधर उसमें शामिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे, दोषी है उनके खिलाफ अगर कोई सबूत है सिर्फ उसके लिए कार्रवाई होगी। सर दंगा रैली पद को डिप्लॉय किया गया है? हाँ, हमारा एसआरपीएफ भी आया है, एसआरपीएफ भी डिप्लॉय किया गया है और हम सब ऑफिसर्स सीपी साहब से लेके सब ऑफिसर्स सवाल रोड है। जब तक शांति प्रस्तावित नहीं होती हम सब लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी मैं आपके माध्यम से सब लोगों को और आप सबको भी विनती करता हूँ कि आप सब लोग कोऑपरेट करें ताकि इस शहर का जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री में कहीं दाग न लगे। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि सब लोग कोऑपरेट करेंगे। तो थोड़ा बहुत भावना रहती है, आप जैसे बता रहे हैं कि वीडियो है कुछ पोस्ट है उसके कारण थोड़ा सा भावना भड़क जाती है, लेकिन जो भी जैसे सामने आएगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई जरूर करेंगे। एहतियातन अपन क्या क्या कदम उठा रहे हैं, जैसे 144 वगैरह? अभी 144 का अभी ऑर्डर निकाल रहे हैं, लेकिन अभी हमने फिलहाल तो फिक्स पॉइंट सब जगह रखा है, पेट्रोलिंग भी सब अफसर रस्ते पे है और हम लोग खुद भी सब सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं। थैंक यू। भावना हो गई कि निर्दोष लोगों को उठाया जा रहा है जिसके चलते काफी हजारों की संख्या में लोग यहाँ जमा हो गए, आपकी अपील के बाद यहाँ से गए, क्या आश्वासन दिया और क्या? ऐसा है, आज एक तो शुभ दिन है, आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में और पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण है और उस उत्साह के वातावरण में उस वातावरण को मनाने के लिए जो पूरे देश में सब जगह रैलीज निकल रही है, हर आदमी निकाल रहा है, हर परिवार निकाल रहा है। कल मीरा भाईंदर में भी काफी बड़ी बड़ी रैलीज थी, उस रैलीज में से कुछ गाड़ियां जब इस इलाके से गुजरी है नया नगर लोडा के एरिए से तो वहां पर कुछ हादसा हो गया, दो ग्रुप्स में आपस में कोई बातें हुई होगी, मैं कह रहा हूं तो सीसीटीवी में जो है हकीकत नजर आएगी, और वहां पे जो हादसा नहीं होना चाहिए था वो हादसा हुआ है। जो हादसा हुआ है उस हादसे को लेके हमको दुख है दोनों तरफ के लोगों के लिए, क्योंकि वो कहावत है कि गेहूं में जब चक्की पे जब गेहूं पिसता है तो उसमें पता नहीं और क्या क्या साथ में पीसा जाता है। अब सीसीटीवी के कैमरा में पुलिस अपने हादसे को देखेगी, हमने पुलिस से कहा है कि जो दोषी होगा उसी पे कार्रवाई होना चाहिए, जो दोषी नहीं है उन पे किसी भी प्रकार की अन्याय की कार्रवाई उन पर नहीं होना चाहिए। अब जब रात में हादसा हुआ है तो पुलिस को अपना एक्शन लेना पड़ता है, पुलिस ने एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना वो एक्शन लिया। अब उसमें जिन जिन लोगों को लाए होंगे
तो किसी को पूछा हो गया कि भाई कौन था, तो उसने कहा होगा वो था वो था वो था, जो पुलिस के नॉर्मल एक्शन जिस तरकीब से होती है ऐसा मैं समझता हूँ, उस चक्कर में पुलिस ने लोगों को लाया होगा। अब पुलिस को जो है तफ्तीश करनी है, इंक्वायरी करनी है, सीसीटीवी के शॉट्स देखने हैं, और उसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के सीपी, जॉइंट सीपी, डीसीपी, पीआई सबसे मुलाकात करके उनको कहा है कि अन्याय किसी भी मासूम पर और जो दोषी नहीं है उन पर नहीं होना चाहिए, और आप जो दोषी हैं उन्हीं लोगों के ऊपर जो कायदे से कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो कीजिएगा। साथ में लोगों से ये भी कहा है कि अगर आपको कोई शिकायतें अपनी देनी है कि जो रैली निकली और उस रैली के माध्यम से किसी ने कुछ इंस्टिगेट करने वाली कोई बातें अगर हुई होगी, आपने देखा होगा, आप उसके विटनेस होंगे और आप पुलिस को उसकी शिकायत अगर देना चाहते हैं तो आप लिखित रूप से अपनी शिकायत दीजिए, तो कुछ लोगों ने दिया है। अब पुलिस उस अर्जी को लेकर के भी, क्योंकि सीसीटीवी एक एविडेंस है और लोग जो विटनेस देंगे वो एक एविडेंस है, उसको अपनी तफ्तीश पुलिस करेगी, और पुलिस ने आश्वासित किया है कि हम उसके ऊपर भी कायदे से अगर गलतियां हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर बताइए कि आज सिटी ऑफिस में कल रात 10:30 बजे के बाद मीरा रोड के नया नगर परिसर में जो राम भक्त है वो जय श्री राम का नारा देते हुए घूम रहे थे, और अचानक कुछ समाज कंटकों ने गाड़ियों के ऊपर हमला किया, गाड़ियों की तोड़फोड़ की, हमारे जो भगवे ध्वज है उसकी तोड़फोड़ की, हमारे जो राम भक्त है उनको मारा गया, और उसमें महिलाएं भी थी। उसके बाद में वो लोग वहाँ पे नहीं रुके, तो कुछ गलत गलत अपशब्द भी वहाँ पे वापर रहे थे, तो ये गलत है। पूरे देश में पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के माध्यम से आज हिंदुओं की ललकार हो रही है, जय जयकार हो रहा है, और उसमें मुसलमान हमारे साथी भी शामिल है। ऐसा होते हुए अगर कुछ राम भक्त नया नगर परिसर में भगवा ध्वज अगर लेके राम नाम का जयघोष करते रहेंगे तो मीरा भाईंदर शहर में ये पहली बार हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं था, क्योंकि देश में विभिन्न भागों में जब भी दंगल जैसे घटनाएं घटी थी तभी मीरा भाईंदर शांत था, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर को हम एक मिनी इंडिया के रूप में जानते हैं, और इस शहर में ऐसी घटना घटना बहुत ही गलत है। मैंने आज पुलिस आयुक्त श्री मधुकर पांडे जी से हमारे पदाधिकारियों को लेके मुलाकात की, उनको कहा कि ये घटना बहुत गंभीर है और गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी आग कभी बन जाएगी, बोल नहीं सकते। और मैं तो लोक प्रतिनिधि के तौर पर इस क्षेत्र का 15 साल से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैंने हमेशा हमारे पार्टी के ओर से ऐसा ही देखा कि शहर में शांतता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग साथ में रहने चाहिए, और लोग रह रहे। मगर कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इस जो घटना है घटना को अपने हाथ में लेते हुए ये 200-300 लड़कों को बहकाया, उनको समाज कंटक के रूप में उनके हाथों से राम भक्तों के ऊपर अन्याय और अत्याचार और मारहाण कैसे हो की जाए इसकी कोशिश उन्होंने की। पुलिस ने सिर्फ 10 से 20 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया, मगर जो वीडियो हमें मिला है, जो वीडियो में दिखता है, उसमें करीबन 200 से 300 युवक शामिल थे, समाज कंटक शामिल थे। पुलिस कमिश्नर को आज जो हमने निवेदन दिया उसमें एक ही बात कही है कि ये चिंगारी पूरे देश भर में फैल सकती है, इसलिए आप कॉम्बिंग ऑपरेशन आज से स्टार्ट करो। जो जो ये घटना के जिम्मेदार है उन सभी लोगों को 48 घंटे में आप अरेस्ट करो, अगर ये नहीं हो पाएगा तो हम राम भक्तों के माध्यम से शांतता प्रिय आंदोलन करेंगे, और 25 जनवरी को ये मीरा भाईंदर बंद करने की मांग हम हमारे पार्टी के प्रमुख से करेंगे, और 25 तारीख तक ये अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो निश्चित रूप से हमें शांतता प्रिय मार्ग से ये आंदोलन करना पड़ेगा। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।